और नागालैंड के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, आइए देखते हैं। बहुत सारे एमएसएमई भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है। 56 एंटिटीज आईपीओ में गए 2021 में, उसमें से 27 एमएसएमई है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी भाग है। सिमिलरली 61 कंपनीज आईपीओ में गए 21-22 में, उसमें से 34 एमएसएमई है, स्मॉल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का भी लिस्ट में जोड़ा गया। सो पूरे के पूरे आईपीओ में जो गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है। इसके अलावा माननीय सदस्य का क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस किया है, जिसके वजह से आज भी देश में मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन के कारण अभी ज्यादातर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए सरकार बहुत सारे कदम उठाया, पैंडेमिक के दौरान भी इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने लॉन्च किया, उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ तक डिस्बर्समेंट का भी हो गया है। एडिशनली 1.5 लाख उससे हम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 लाख करोड़ से गिवन इनिशियली, नाउ इट्स एडेड बाय 1.5 लाख करोड़। सो द ईसी जिला स्कीम विच वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द पैंडमिक इज नाउ एक्सपेंडेड टू द लेवल ऑफ 4.5 लाख करोड़। मोर देन दैट 20,000 करोड़ हैव बीन गिवन इन द नेम ऑफ डेट सबॉर्डिनेट डेट रिलीफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एमएसएमई। उससे भी बहुत सारे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनका सपोर्ट आया है। इन्वेस्टर चार्टर भी हमने वी आर ब्रिंगिंग इट आउट, जिससे इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर्स हैव ग्रोन अप। सेबी इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स, एमएसएमई का डेफिनेशन को रिवाइज किया, जिससे एमएसएमई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट में बेनिफिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट सर, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स को हमने बदला, जिससे 200 करोड़ से कम वाले रिक्वायरमेंट परचेस रिक्वायरमेंट का रूल्स बदलने के कारण ग्लोबल टेंडर में हम जाते नहीं है, भारत देश में ही उसका प्रोक्योरमेंट हो रही है, जिसका मतलब है एमएसएमई इसमें भाग ले सकते हैं जो पहले नहीं था। श्री मनीष तिवारी जी। थैंक यू मिस्टर चेयरपर्सन सर। मिस्टर चेयरपर्सन सर, आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, इन द जनवरी ऑफ 2020 व्हेन द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस had visited the National Stock Exchange and the other trading platforms, we were informed that these trading platforms are regularly subject to cyber attacks which are warded off. My question to the minister is that... Like and share videos. सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।